हेलो दोस्तों, ऐसे तो ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर अलग से बात की जाए, पर जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तानियों में कुछ अलग सी जलन मची हुई है, और वहाँ के कुछ फॉर्मर लीजर्स और न्यूज रिपोर्टर जो कि भारत की तरक्की को वैसे भी कभी देख नहीं पाते, तो वो लोग मार्केट में बात लेके आए हैं। उनका कहना है कि सूर्य कुमार ने, आप जानते हैं कि जैसे ही सूर्य कुमार ने बाउंड्री पे मिलर का कैच पकड़ा था 20वें ओवर की पहली गेंद पर, जब उनको 6 बॉलों पे 16 रन चाहिए थे, और एक काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंडिंग गेंद था जिसकी पूरी देश ने तारीफ की, पूरी दुनिया ने तारीफ की है। सर देखा जाए तो पाकिस्तानी ने वहाँ भी एक अलग से अपना एक बात निकाल दी। उनका कहना है कि सूर्य कुमार यादव ने उस पोजिशन को, मतलब वो जो बाउंड्री की रोक होती है, उसे अपने पैर से पीछे किया था। मतलब यार, इस बात की कोई लॉजिक नहीं है। मतलब सूर्य कुमार यादव को पहले से ही पता था कि हार्दिक इस लाइन पे बॉल कराएगा, वो बॉल फुल टॉस होगी, मिलर उसे हिट करेगा, और वो हिट भी इतना पर्टिकुलर ही करेगा कि वो बॉल की ट्रेजेक्टरी वहां से यू डीप होते हुए वहां पे आएगी, और वो जो कुशन को वो 4-5 सेंटीमीटर पीछे कर रहा है वहां पे वो कैच पकड़। अगर इतना ही सूर्य को पता होता तो शायद इंडिया को यह करने की जरूरत होती ही नहीं। तो मैं बस उन सब पाकिस्तानी रिपोर्टरों से और जो ई स्पोर्ट्स लवर है और उतना ज़्यादा नहीं जानते, उनसे बस यही बात कहूँगा कि देखो यार, जो भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। हो सकता है वो बाउंड्री रोक पीछे की गई हो, मतलब हो सकता है कि बाउंड्री रोक किसी और रीजन के चलते पीछे हो भी गई हो पहले इनिंग में जहाँ थे उससे, बट आप इसका इल्ज़ाम इंडियन टीम पर नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अगर उतना ही हमें पता होता तो हम ये मैच इतना डीप लेके ही नहीं जाते ना, हम वो पहले ही कर सकते थे। सो ये बात कहना कि हमने चीटिंग की या सूर्य कुमार यादव ने जानबूझकर बाउंड्री को पीछे किया, ये थोड़ी सी, मतलब यार, इस क्रिकेटिंग टर्म्स में इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इस जस्ट अटर नॉनसेंस आप इसे कह सकते हैं। तो यार, आई होप के अभी जो भी दोस्त पाकिस्तान या कुछ कोई भी हो, वो ऐसी नॉनसेंस बातें मत करें, क्योंकि फिर वो सब आपको ही बोलेंगे, फिर आप कहेंगे कि इंडियंस हमारा मजाक उड़ाते हैं या फिर हमें वेस्टर्न मीडिया में सीरियसली नहीं लेता। आप अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही खराब कर रहे हो, तो ऐसा ना करो। जो हुआ, इवन के साउथ अफ्रीका को भी इससे कुछ ज़्यादा तकलीफ थी नहीं। उनके सैम पॉलक जो कि उनके एक अच्छे प्लेयर रहे साउथ अफ्रीका के पास्ट में, उनसे जब पूछा गया उन्होंने भी कहा कि फेयर कैच था, ऐसा कुछ था नहीं। पर पता नहीं पाकिस्तानियों को क्यों ऐसा लगता है। खैर, उनको तो हर बार ऐसा ही लगता है कि BCCI ही ICC को चलाता है और सब कुछ जो होता है वो जैसा वहाँ से बैठ कर रिमोट कंट्रोल से कवर करता रहता है। तो खैर, कोई बात नहीं दोस्तों, बस ये वीडियो बनाने का यही एक था कि एक गलत चीज़ है जो कि लोग कह रहे हैं, तो उसे इतना ज़्यादा माइंड ना किया जाए। इंडिया जीती है तो अपनी मेहनत से जीती है। 8 गेम स्ट्रेट जीत के वर्ल्ड कप जीतना कभी भी आसान नहीं रहता। इंडिया हमेशा से एक अच्छी टीम थी। हाँ, पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में हम वो एक फिनिशिंग स्टेप नहीं ले पा रहे थे जो इस बार हमने कर लिया। सो दैट्स गुड फॉर इंडियन क्रिकेट एंड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया जितना पैसा, जितना रुतबा लेके आता है, जो एक व्यूअरशिप लेके आता है, वो कोई और नहीं लेके आता। तो या ये इंडियन क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। साउथ अफ्रीका बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अच्छी टीम है साउथ अफ्रीका, खूब लड़ी, स्पेशली क्लासेट ने जिस तरह से बैटिंग की, डीकॉक ने जिस तरह से की, बट एट द एंड कोई एक ही टीम जीतती है, तो इस बार इंडिया लकी रहा। सो यही बात है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।